सोबर होते थे, बहुत सेंसर्ड होते थे, उससे ज्यादा मैं बात नहीं कहना चाहूंगी। अब मैं जो उनकी नज़्म पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है निसार में तेरी गलियों पे। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन, निसार में, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन, कि जहाँ चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन, कि जहाँ चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिसको जहाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मों बस्तों कुशा, कि संगो खिश्त मुकैद है यानी कैद है, और संग कुत्ते जिसे उनकी जो लिटरली उन्होंने जो इसमें लिखा उसका आजाद है। ये उनकी पहली, उनका सेकंड पैराग्राफ ये है। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जो जो चंद अहले हवस मुयत भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें, मगर गुजरने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। बुझा जो रोज ने जिंदा तो दिल ने ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल बेड़ियां तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते साए दीवारों दर से जीते हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खुल्क, जिसे हम जनता कहते हैं, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, और यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूक। न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं है, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन, कि जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। तो ये बहुत ही अच्छी तरह उनका जिस तरह का कहने का, ही वॉज एक्चुअली एन एथियस्ट, दैट आई रीड अ लिटिल बिट अबाउट हिम, ही वॉज एन मोर अ मार्क्सिस्ट इन हिज राइटिंग्स, एंड ही वॉज ऑल्सो रोमांटिक एट हार्ट, एट द सेम टाइम ही हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी। So I think that is what he has tried to project, and that is what I have stolen from the net and expressed it. Thank you so much. Thank you. Thank you. ये चार मिसरे हैं कि मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कलम तो आप जानते